करो सहज सुंदर सारो करुणा निधा सुजानशील सने जानक जानो हर जिले अली तुलसी भवानी ओ जी कुनि कुनि खुदे ते मन मंदेशनी खुदे ते मन मंदेशनी खुदे ते मन मंदेशनी। मैया सीता जी देखो पहले सती फिर सीता। सती परीक्षा से प्राप्त करना चाहती, सीता मैया इच्छा से प्राप्त करना चाहती और तीसरी नारी जिसका नाम है सूपनखा। सूपनखा भगवान की समीक्षा यानी भगवान की बराबरी करना चाहता है। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि तुम सब पड़ोसी नमो समिनाहारी संयोग विधि रचा विचारी। तीसरी नारी भगवान की समीक्षा यानी बराबरी करके प्राप्त करना चाहती और चौथी मैया जिसका नाम है शिवरी। अब देखो सबके नाम सात चर पे सती सीता सूपनखा और शिवरी। शिवरी भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहती है कि रामा रामा रटते रटते पीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते पीती रे मैया भगवान की प्रतीक्षा करती है। शिवरी मैया भगवान की प्रतीक्षा करके प्राप्त करना चाहती है। शिवरी मैया प्रातः काल उठती है अपनी कुटिया में अपने बालों के द्वारा झाड़ू लगाती है कि रास्ते में कहीं कोई कंकड़ पत्थर न रह जाए जो मेरे प्रभु के चरणों में चुभे। सुबह से शाम हो गई जंगल में जाकर के बेर लेकर के आई आज मेरे रघुनंदन आएंगे आज मेरे ठाकुर आएंगे आज मेरे कन्हैया आएंगे मैं उनको इन बेरों को प्रदान करूंगा। शाम हो गई लेकिन रघुनंदन नहीं। लेकिन शिवरी मैया ने अपनी प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं आज मेरे प्रभु हो सकता अंतरपुर में बिजी हो गए कल आ जाए। प्रतीक्षा छोड़ो नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं फल क्यों नहीं प्राप्त होता है? कुछ फल की इच्छा की दो दिन चार दिन इंतजार किया नहीं मिला छोड़ो इन भगवान से नहीं होता चलो दूसरे भगवान से मांग। विश्वासम फलमदायकम जब तक मुझे अपने इष्ट के प्रति अपने परमात्मा के प्रति अपने ठाकुर के प्रति अटल विश्वास नहीं होगा फल प्राप्त होने में देरी है। शिवरी मैया भगवान की प्रतीक्षा करती है और भगवान को प्राप्त करना चाहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा पढ़ा होगा एक न एक दिन भगवान शिवरी मैया की कुटिया में भी पहुंचे। हम लोग क्या करते हैं अभी 10 तारीख को एकादशी आ रही एकादशी। कई लोग सोचते क्या करें पंडित जी व्रत रहें या ना रहें पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा फालतू में दिन भर भूखे और रहना पड़ेगा और मई जून का महीना बिना पानी के रहना पड़ेगा नहीं रह पाएंगे छोड़ो 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 यानी आपकी निष्ठा भंग। मुझे अपने इष्टिक प्रति भरोसा नहीं है अटल विश्वास नहीं है
अगर अटल विश्वास आपको चाहिए, आपको प्रतीक्षा करना सीखना है, तो श्री मैया से सीखो। मेरे प्रभु सुबह से लेकर के शाम हो गई नहीं आए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर। किसी शायद ने लिखा है कि गम की अंधेरी में बेकरार मत कर, गम की अंधेरी में बेकरार मत हो, रात के बाद सुबह जरूर आएगी, केवल इंतजार हो, केवल इंतजार हो, केवल इंतजार हो। मुझे घबराना नहीं चाहिए। पांचवी मैया है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य, भगवान न तो परीक्षा से मिलता है, न समीक्षा से मिलता है, भगवान तो स्वयं की इच्छा से और भगवान की प्रतीक्षा से और भगवान के लिए की गई तपस्या से ही भगवान प्राप्त होता है। भगवान परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि भगवान अनुभव का विषय है, भगवान अनुभव का विषय है। इधर जब भगवान भोले बाबा ने देखा कि सती जी ने सीता का रूप धारण किया है, भोले बाबा ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, यही तन सती है भेंट अब नाही, शिव संकल्प तीन मन माही। भगवान भोलेनाथ ने मन में संकल्प स्थापित किया, अरे सती, आपने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया, सती जी अब इस तन से आपको भेंट नहीं। अब भोले बाबा अखंड समाधि में बैठ गए। इधर मैया सती को लगा मेरे द्वारा बहुत बड़ा जय हो, जय जय।